Dear students, welcome back. आज part 2 of colonialism में हम decolonization and post-colonial states पे चर्चा करेंगे. आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे 400 साल 16th to 20th century में European power ने पूरी दुनिया पे लगभग जो है कब्जा जमाया, colonies बनाया, लेकिन एक बहुत fast जो है उसको withdrawal हुआ. वह करीब 25 से 35 साल के अंदर में वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, जिसको आप कह सकते हैं सडन काइंड ऑफ दे लेफ्ट, और जो नए स्टेट आए जिसको आप पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट कह सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई तमाम देश जो हैं, जो यूनाइटेड नेशन में 50 जो मेंबर थे वो बढ़ के करीब तकरीबन 200 हो गए बिकॉज ऑफ दिस कमिंग ऑफ न्यू नेशन. तो आज चर्चा हम करेंगे कि ये जो डीकोलोनाइजेशन, जो एक सडन विथड्रॉल प्रोसेस कॉलोनियल पावर्स का हुआ जिससे कि नए नेशन पिक्चर में आए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, इन दोनों के फीचर्स क्या थे, प्रोसेसेस क्या थे, उसमें पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या थे, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए. सो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन. व्हाट इज इन स्टोर? सबसे पहले जो है हम समझने की कोशिश करेंगे डीकोलोनाइजेशन के मीनिंग एंड सम डेफिनेशंस. उसके बाद डीकोलोनाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म्स, फीचर्स एंड प्रोसेसेस पे चर्चा करेंगे, और फिर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो उसके पैटर्न रहे हैं, प्रोसेसेस हैं, फीचर्स हैं, इंडियन केस को एग्जांपल लेकर के. देन जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, जो नए स्टेट आए आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, उनकी जो है क्या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के नजर से, मतलब किस व्यू से उनको देखा जाता है जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी होती है, और उनके जो है फीचर्स क्या रहे हैं. एंड देन हम लोग याद करेंगे कुछ प्रोमिनेंट एंटी कॉलोनियल लीडर्स को. पास्ट ईयर्स क्वेश्चन मैंने पहले भी फर्स्ट पार्ट में दिया था. यहाँ पे केवल हम हाईलाइट कर रहे हैं वायलेट कलर से 3 क्वेश्चन को जिसपे कि हम फोकस करेंगे इस वीडियो में. एक्सप्लेन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस विथ एन एग्जाम्पल ड्रॉन फ्रॉम रेस्ट वाइल्ड कॉलोनी. हम इंडिया का एग्जाम्पल ड्रॉ कर इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्या फीचर्स थे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के. हाउ द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी इन एशिया. ये हम लोग डेफिनेटली एक दो स्लाइड्स में इसको स्टडी करेंगे. And then give an account of processes of decolonization in Asia and Africa in the 20th century. ये repeated question है, ये भी इस वीडियो में covered होगे. In fact, कोई भी question जो decolonization से आती है, I hope कि आपको ये वीडियो देखने से आप definitely उसका जवाब दे सकते हैं. पूरा नहीं तो definitely काफी parts में cover करने की कोशिश की गई है. यदि हम ये देखें कि definitions and meaning क्या हैं decolonization के, तो इसको एक आप प्रोसेस समझ सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री. मोस्ट सिंपल वे में दिस वाज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द रेस्ट वाइल्ड कॉलोनीज फ्रॉम देयर कॉलोनाइजिंग पावर. इट्स ऑल्सो डिनोट्स द शॉर्ट पीरियड ऑफ अबाउट 25 ईयर्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ड्यूरिंग विच कॉलोनाइजर वेयर फोर्स्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स वी विल सी were forced to transfer power and grant political sovereignty to the colonies. Decolonization represented not only the transference of legal sovereignty, but also movement for moral justice and political solidarity against imperialism. ये important है because ये केवल simple एक political sovereignty की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी एक तरह का freedom from cultural hegemony. फ्रीडम फ्रॉम द थॉट और आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म. इस बात के लिए भी थी कि एक मोरल जस्टिस है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, पीपल जो है थर्ड वर्ल्ड में उनको भी हक है अपना फेट खुद डिसाइड करने का, अपने को गवर्न करने का. और यह इसके लिए भी एक लड़ाई थी कि जो सिविलाइजिंग मिशन है या जो वेस्ट के सिविलाइजेशन कल्चर को सुपीरियर बता के जो जस्टिफाई किया जाता है दूसरे कंट्री पे सब कुछ सबजुगेशन, वो गलत है. और सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन में फर्क नहीं होता, ओरिएंटल सिविलाइजेशन भी उतना ही महान है और उतना ही रिफाइंड है, उतना ही एडवांस्ड है, उतना ही प्रोग्रेसिव है जितना वेस्ट सिविलाइजेशन है. तो ये जो पूरा मूवमेंट था डीकोलोनाइजेशन का, ये सिंपल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, ये एक तरह का इमेंसिपेटरी मूवमेंट था जिसमें कि जो सोसाइटी थे ईस्टर्न वर्ल्ड के या ओरिएंटल वर्ल्ड के, उन्होंने रिक्लेम किया अपने सिविलाइजेशन, अपने इंडिपेंडेंस, अपने कल्चरल इंडिपेंडेंस को.
Decolonization therefore also denoted rejection of superiority of European cultural and civilization and reclaiming the indigenous culture and civilization. Thus, it refers both to the anti-imperialist political movement and to an emancipatory ideology. Matlab emancipatory matlab freedom, mukt ho jane wali ideology, which sought or claimed to liberate the nation and humanity itself. So, ye ek bahut bada mission tha, not simple political or legal sovereignty. यदि हम डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को देखें कि कैसे ये हुआ, थोड़ा ये स्लाइड आपको क्रिंजी और क्लमजी लग सकता है, मैंने काफी पॉइंट्स दिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसकी शुरुआत जो इस थॉट प्रोसेस की होती है, कई लोग मानते हैं कि 1905 में जब इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसी साल में जापान ने रसिया को हराया था. एक छोटा कंट्री ने इतने बड़े पावर को हराया, और रसिया उस समय कोलोनाइजिंग पावर था, उसने काफी कंट्री पे कॉलोनी बनाई थी. तो ये जो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द डोमिनेटेड पीपल अगेंस्ट एन इंपीरियल पावर था, वो डोमिनेट करता था जापान पे, तो उससे जो है कॉलोनीज को लगा कि वो लड़ करके भी जो है स्वतंत्र हो सकते हैं. एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड, जो 20 साल का जो 1918 से लेकर 1939 तक का पीरियड था, उसमें बहुत इंटेंसिफाई हुई. बट इट वॉज नॉट ए कोहरेंट इवेंट लाइक रशियन रिवोल्यूशन या फ्रेंच रिवोल्यूशन, उस तरह का आप इसको नहीं, या अमेरिकन रिवोल्यूशन, उस टाइप का बहुत कोई एक कोहरेंट या कंसंट्रेटेड इवेंट एक दो साल का नहीं था. इट इज स्प्रेड अक्रॉस 25 to 30 इयर्स. वाज एकम्पनीड बाय अपीयरेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन द कॉलोनीज. और ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो है एक तरह का नेशनलाइजेशन के कॉन्शियसनेस का भी प्रोसेस बना. आपको पता है कि जो ये कॉलोनीज थे वो पहले एम्पायर के पार्ट थे, या ट्राइबल चीफ जैसे अफ्रीका में रूल करते थे. कोई ऐसा स्टेट जिसको मॉडर्न जो स्टेट वेस्टफेलियन स्टेट बोलते हैं, वैसा नहीं था जहां पे ये कॉलोनी बसाई गई थी. और ना ही इसको आप एक नेशन कह सकते हैं, क्योंकि इट वाज मल्टी इथनिक, मल्टी रेसियल, मल्टी कल्चरल, तो एक हेट्रोजेनस सोसाइटी था. इंडिया में भी आप देखिए तो साउथ इंडिया और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बहुत अलग तरीके से अपने को नेशन की अवधारणा थी. लेकिन ये जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल या डीकोलोनाइजेशन था, उसमें एक नेशन बनने की और नेशनल अवेकनिंग और ये फीलिंग कि हम सब एक नेशन है, ये भी उसके साथ में जुड़ गया. द टाइमिंग एंड पैटर्न ऑफ डीकोलोनाइजेशन वर एक्सट्रीमली वैरिड, बहुत अलग अलग तरीके से थे हर कंट्री का, अफ्रीका का, एशिया का, बहुत अलग था. द गोल्स ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन डिफरेंट कंट्रीज वर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट विद ईच अदर, नहीं थे कंसिस्टेंट. ऑफकोर्स एक ओवर आर्किंग गोल था. हाउएवर overarching pattern and process यदि आप ढूंढे, मतलब pattern की जो उसमें common था, तो they all were led by western educated urban elite. ये भी एक बहुत peculiar phenomena है, interesting है कि हर colonial country में जो urban core में रहने वाले elites थे, जिन्होंने west में education पाया था यूरोप में, वो elite या middle class, upper middle class के लोग थे, lawyer थे, barristers थे, businessmen थे, वो लोगों ने, उन elite ने जो है leadership दिया. The great leaders, but they were successful, the great leaders in mass mobilization. लेकिन जो hinterland और rural areas में जो laborer थे, किसान थे, जो छोटे मजदूर थे, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया. उसमें वो feeling भरी कि national consciousness क्या होता है. जैसे इंडिया में गांधी और नेहरू जी ने unified resistance for political and cultural sovereignty, nation building भी साथ साथ हुई, political process and institution building भी हुई, लेकिन it was on the pattern of European nation state. तो यदि आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि इसको लीड जो किया वो भी वेस्टर्न एजुकेटेड थे, जो पैटर्न जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल प्रोसेस का लाया गया वो भी वही थे जो यूरोपियन यहाँ पे लेकर के आए थे. तो केवल क्या चेंज हुआ कि मासेस को ये फील हुआ कि हम ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन, ये पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, लेकिन हम उसके जो है कर्ता धर्ता होंगे. ये बहुत डिफरेंट है इससे कि पूरी तरह से जो है यूरोपियन सिस्टम को उखाड़ फेंका जाए. ये भी कुछ कंट्री में हुआ, स्पेशली जो बहुत मार्क्सिस्ट और लेफ्ट ओरिएंटेड थे. लेकिन जो लिबरल लीडरशिप था जैसे इंडिया में, वहां पे जो यूरोपियन जो सिस्टम था, जो यूरोपियन स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसको हूबहू रखा गया. फर्स्ट टू गेट इंडिपेंडेंस वॉज फिलीपींस. यदि हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें और सीक्वेंस देखें तो फिलीपींस को जो है यूनाइटेड स्टेट्स से 1946 में आजादी मिली, लेकिन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 एक्सेलरेटेड द, यहां गलत लिखा है, डीमोनिजेशन प्रोसेस, स्पेलिंग मिस्टेक है, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस फर्स्ट इन एशिया एंड देन वेस्ट अफ्रीका एंड लेटर ऑन ईस्ट अफ्रीका.
तो यदि आप ये देखें तो सबसे इंडिया जो सबसे बड़ा कॉलोनी था जब वो आजाद होता है तो उसके बाद से वो एक सडन एवलांच प्रोसेस होती है जो पूरे एशिया में फैल जाती है लाइक म्यांमार श्रीलंका एंड इंडोनेशिया एंड वियतनाम एंड अदर्स एंड देयर आफ्टर जो है वो अफ्रीका जाती है पहले वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका फिर ईस्ट अफ्रीका। बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है 1955 में जिसमें कि न्यूली इंडिपेंडेंट जो एफ्रो एशियन नेशन थे वो भाग लेते हैं, नेहरू जी और नसीर एंड बहुत सुकार्नो और बड़े बड़े लीडर जो बाद में नाम के संस्थापक बनते हैं वो लोग उसको जुटाते हैं सभी एफ्रो एशियन नेशन को और दे डिनाउंस इंपेरियलिज्म एंड एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी। दिस बांडुंग कॉन्फ्रेंस फर्दर एक्सेलरेटेड डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। तब तक यूनाइटेड नेशन भी बहुत मुखर हो गया था, उसमें भी काफी ये बातें होती थी कि ये गलत है। इवन अमेरिका और रशिया भी जो पावर बन चुका था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वो भी डिनाउंस कर चुका था इंपेरियलिज्म के पॉलिसीज को और यूरोपियन पावर जो है अंडर स्ट्रेस थे कि वो जल्दी से जल्दी जो है कॉलोनी से छोड़ के चले जाए। और उसके साथ ही जो इंटेंसीफाई हो रही थी नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट और लिबरेशन स्ट्रगल वो एक अलग ही दबाव डाल रही थी कॉलोनियल पावर पे। नाम मूवमेंट 1961 में होता है शुरू होती है नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसमें कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे उन्होंने कहा कि हम किसी भी कैंप में जो कोल्ड वॉर के जो दो कैंप बन गए थे यूएसए यूएसएसआर में शामिल नहीं होंगे, उससे भी जो है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को मदद मिली। लेकिन यदि हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो उनके अनुसार से डीकोलोनाइजेशन वॉज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पोस्ट कोलोनियल स्टेट into global capital system as periphery। उनका कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये मार्क्सिस्ट के अनुसार जैसा मैंने आपको बताया है कि कॉलोनियलिज्म लेट कैपिटलिज्म के एक्सपेंशन का एक पार्ट था और डीकोलोनाइजेशन जो है वो प्रोसेस था कैपिटलिज्म का जिसमें कि उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को अपने से चिपका लिया, अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया एज ए पेरीफेरी, एज ए एक्सप्लॉइटेड रीजन। वो कोर बन गए, ये पेरीफेरी बन गए, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले बन गए, यहाँ से लेबर आने वाले हो गए और ये जो है फिनिश्ड गुड्स उनको देने वाले। तो ये जो एक्सप्लॉइटिव रिलेशनशिप था वो कंटिन्यू रहा, इनफैक्ट वो और इंटेंसिफाई हो गया जिसको कि मार्क्सिस्ट व्यू में नियो कॉलोनिज्म या नियो इंपेरियलिज्म कहते हैं। सो उनके अनुसार डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस कोई इंडिपेंडेंस नहीं था बल्कि ये जो है डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट था जो गुंडर फ्रैंक कहते हैं जब उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दिया। तो ये बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है डीकोलोनाइजेशन को देखने का मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। सो आई होप कि आपको ये स्लाइड कुछ क्लियर किया होगा कि हाउ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टैंड आउट इन एशिया एंड देन इन अफ्रीका। ऑफ कोर्स वी आर लिविंग हियर, अमेरिका का इंडिपेंडेंस होना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का इंडिपेंडेंस होना यूरोपियन वर्ल्ड से उसको हमने नहीं लिया है। यहाँ जो एशिया अफ्रीका जो इंडिपेंडेंट हुए, इवन लैटिन अमेरिका इससे पहले हो चुकी थी, उसको हम डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में। मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या फैक्टर्स थे जिससे कि बहुत ही सडन डीकोलोनाइजेशन होती है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे इस स्लाइड में इसको रिविजिट करें। दो वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन पावर थे वो काफी वीक हो गए थे, वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने कॉलोनीज को। देन यूएसए और यूएसएसआर एक सुपर पावर के रूप में वर्ल्ड वॉर टू के बाद उभरता है, उनके अपोजिट आइडियोलॉजीज होते हैं और उनको छोटे छोटे स्टेट को अपने आइडियोलॉजिकल कैंप में मिलाने की जरूरत होती है और उनको यूरोपियन जो कॉलोनाइजिंग जो थीम है उससे उनको कोई फायदा होता नहीं है, इसलिए वो जो है इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म को डिनाउंस करते हैं। इससे जो है यूरोपियन पावर पे और जो है स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है कॉलोनीज को मुक्त कर देने का। जर्मनी और जापान जो है इंटर वॉर पीरियड में एक नए इंपीरियल पावर के रूप में उभरते हैं, उससे जो रेस्ट वाइल जो कॉलोनियल पावर थे लाइक इंग्लैंड और फ्रांस और स्पेन पुर्तगाल उन पे बहुत दबाव पड़ता है, उसको कंपेटिटिव कैपिटलिज्म कह सकते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शुरू किया अपने कॉलोनीज में, लेकिन उससे एक नई जो डेवलपमेंट की जो बयार चली उसने इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को और बढ़ावा दिया और उससे उनको वो संभालना मुश्किल हो गया। सेटिंग अप ऑफ यूएन एंड इट्स रोल इन गिविंग वॉइस टू कॉलोनाइज नेशन, यूएन का बहुत बड़ा रोल रहा वहां पे, इस पे डिस्कशन हुई और उन्होंने डिनाउंस किया और इसको सपोर्ट यूएसएसआर और यूएसए करते थे यूएन के इस मिशन को। इससे जो है यूरोप को आइडियोलॉजिकली और इंटरनेशनल फोरम पे इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कॉलोनियल नेशन, इसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। ऑलमोस्ट हर कॉलोनीज में जो है ग्रेट लीडरशिप सामने आए, जैसे इंडिया में
गांधी नेहरू और इंडोनेशिया में सुकर्नो और मेनी मेनी अदर्स जिन्होंने कि अपने मास को मोबिलाइज किया, नेशनल कॉन्शियसनेस जगाया, नेशनल अवेकनिंग की, कई जगह आर्म स्ट्रगल हुए और उसको संभालना तो और भी मुश्किल हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इट वॉज ए थीन एंड चीप कॉलोनलिज्म, जो बहुत ऑथर बोलते हैं, मायने क्या है थीन, मतलब कि बहुत थोड़े से जो है कॉलोनाइजिंग पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में 1.5 लाख की ब्रिटिश पॉपुलेशन 350 मिलियन पीपल को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। इट वॉज ए वेरी चीप काइंड ऑफ कॉलोनी, मतलब बहुत कम पैसे खर्च करके आप लोकल अलायंस बनाकर जो है आप कंट्रोल करते थे, वहीं के लोगों से वहीं को कंट्रोल करते थे। लेकिन एक बार यदि एक कंसियसनेस बन जाए, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हो जाए, नॉन कोऑपरेशन हो जाए, सिविल डिसोबीडियंस हो जाए, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं चीप वे में, आपको पूरी की पूरी फोर्स भेजनी पड़ेगी, जो संभव नहीं थी उस समय में। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड कमिंग टूगेदर ऑफ एफ्रो एशियन नेशंस अगेंस्ट कॉलोनीज, हमने देखा कैसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस और कैसे नाम के थ्रू जो है यह जो एक फाइट जो था अगेंस्ट कॉलोनिज्म वो बहुत ही ज्यादा स्पार्क हुआ, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। न्यू डिस्कोर्स ऑन सिविलाइजेशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक नई डिस्कोर्स, एक नई सोच जो है वो सिविलाइजेशन पे आइडियोलॉजिकली चोट की गई। वर्ल्ड वॉर वन के बाद में डिनाउंस किया गया सिविलाइजिंग मिशन को, ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन जो है कोई ग्रेटर सिविलाइजेशन है जो हमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए हैंड होल्डिंग कर रही है, वो उतना ही क्रूएल है, उतना ही बारबरिक है, कई मायने में ज्यादा बारबरिक और ज्यादा जो है वो कंजर्वेटिव है इवन ओरिएंटल सिविलाइजेशन से, और उसके ओरिएंटल सिविलाइजेशन के ग्रेटनेस और उसके कल्चर को उभारने की कोशिश की गई। और ये बताया गया कि ये कोई जो है सिविलाइजिंग मिशन नहीं है, बल्कि यह कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक मोटिव से एक्सप्लॉयटेशन है कॉलोनिज्म। तो जो आइडियोलॉजिकल बेस जो था, जो इनलाइटनमेंट और लिबरल लीडरशिप ने वेस्ट में दिया था, उसको पूरी तरह से डिनाउंस कर दिया गया। ये भी एक फैक्टर रहा एक्सेलरेटेड डिकॉलोनाइजेशन का। यदि हम फीचर्स देखें डिकॉलोनाइजेशन के, तो सबसे पहले तो सडननेस है। इन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल कॉलोनियल नेशंस बिकेम इंडिपेंडेंट। देन सेकेंड यदि आप देखें तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल were led by western educated elites of the colony. I mean, आप ऑलरेडी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत ही पिकुलियर फीचर भी है, और उससे बहुत फर्क भी पड़ा, क्योंकि इसी के चलते जो यूरोपियन कल्चर और जो उसके सिस्टम और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो पूरी तरह से खत्म नहीं किया सके, इनफैक्ट वो कंटिन्यूड रहे, उससे एक जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो रिक्स बोलते हैं, या डाइकोटमिक सोसाइटी बनी। डाइकोटमी पॉलिटिक्स में भी हुई और सोशियो कल्चर स्फेयर में भी हुई। एक तरफ जो है मॉडर्न सेंटर जैसे मुंबई जैसे जगह जहां पे कि मॉडर्न है, दिल्ली, और फिर हिंटरलैंड जो कि अपनी ही धुन में पुराने पाथ पे ही चला जा रहा है, और ऐसी डाइकोटमस सोसाइटी कैसे एक नेशन के रूप में स्ट्रगल करती है, ये भी इसको दर्शाता है। कंटिन्यूएंस ऑफ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस मैंने जैसे आपको बताया, सुपर इम्पोजिशन ऑफ होमोजीनियस नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑन हिस्टोरिकली मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक हेट्रोजन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिसको हम नेशन बोलते हैं वो एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, वो 16th-17th century में वहां पे आई, एक लंबा हिस्टोरिकल प्रोसेस था जहां पे कि यूरोप फ्रैगमेंट हुई, एक एक लैंग्वेज की एक एक नेशन बनी, जहां पे नेशन का मतलब एक सेम लैंग्वेज बोलने वाला एक कॉम था जो एक जैसा खाता पीता, एक जैसा दिखता है, जिसकी सोच एक जैसी, इसका हिस्ट्री एक जैसा है। ये जो इमेजिन्ड कम्युनिटी है वो बहुत होमोजेनियस था यूरोप में, और उसने बाद में अपने लिए लैंड जुटाया, तो वो नेशन स्टेट कहलाया, मतलब नेशन ने स्टेट को बनाया। यहाँ पे जहाँ कॉलोनीज थी एशिया अफ्रीका में, इंडिया या अफ्रीका जैसे कंट्री में, कंटिनेंट और कंट्रीज में, वहाँ पे ये मल्टी लिंगुअल थे, मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक थे, हेट्रोजीनियस सोसाइटी था। यहाँ पे एक लैंग्वेज बोलने वाले इमेजिन कम्युनिटी ऐसा नहीं था, वो सभी एक रीजन में जरूर रहते थे, जैसे इंडिया में और एक तरह की एक पूरी सोच है कि हिंदू सोच कही जा सकती है वो थी, लेकिन मुस्लिम और अदर जो बुद्धिस्ट और जैन ये भी काफी डोमिनेंट थे, काफी काफी सारे सिख एंड मेनी रिलीजन, आप उसको पूरा ओवर आर्किंग हिंदू भी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में जो एक थोप दिया गया, यूरोप ने क्या किया कि एक जो उनका जो होमोजेनियस नेशन का जो परिकल्पना थी उसको इंडिया जैसे मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक हेट्रोजन सोसाइटी पे ऊपर से थोप दिया, और हमने उसको, क्योंकि हमारे इलीट्स जो थे वेस्टर्न एजुकेटेड वो हमारे लीडर थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और हम भी जो है उसी के तर्ज पे नेशन स्टेट की परिकल्पना करने लगे। लेकिन आज भी उससे हम जूझ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जो है वो नेचुरल नहीं है, हमारे लिए उस टाइप की नेशन नेचुरल नहीं, हम कभी उस टाइप के नेशन हम हिस्ट्री में नहीं रहे।
quasi-state nature of post-colonial nation-state. Quasi-state मतलब क्या होता है? मतलब ये आधा-अधूरा state है. इसको आप पूरी तरह state किसको बोलते हैं? आपको मैंने बताया है जो बिल्कुल autonomous होता है, sovereign होता है, उसको एक territory होती है, उसका अपना population होता है, उसको international arena में मान्यता होती है और उसका एक fixed border होता है. और उसमें जो है एक होमोजेनियस नेशन के लोग रहते हैं, इसको नेशन स्टेट बोलते हैं. ऐसा तो यहाँ है नहीं. इसकी जो है इवन बाउंड्री भी जो कॉलोनियल मास्टर ने ड्रॉ की उस पर हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहे. इंडिया का ही देखिए कि कैसे बाउंड्री बार बार टूटा, कश्मीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, चाइना के साथ कैसे प्रॉब्लम हुई, कैसे पाकिस्तान का तो पूरी तरह से बंटवारा हो गया क्योंकि उसकी एक अननेचुरल टाइप की बॉर्डर थी. ऐसा हर कॉलोनियल नेशन के साथ हुआ कि वो जो है एक क्वाज़ाई स्टेट बन के रह गया जहाँ पे कि उस कंटिन्यूड डिपेंडेंस उसका रहा कॉलोनियल पावर पे, इकोनॉमिक डिपेंडेंस रहा, पॉलिटिकल डिपेंडेंस रहा, मिलिट्री डिपेंडेंस रहा और वो जो है नियो कॉलोनिज्म और नियो इंपीरियलिज्म के फॉर्म में आया जो मैंने आपको बताया जो अभी भी चल रही है. और एक तरह से जो जिसको कि फैनन बोलते हैं इंटरनल कॉलोनिज्म भी हुआ, मतलब कि एक जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है उसने अपने यहाँ ही अपने कुछ रीजन को जो है कॉलोनी जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया. श्रीलंका में हुई, इवन यूएसए में greatly varying post colonial experience रहा. हर कंट्री की अलग अलग जो है एक्सपीरियंस रही कि कैसे जो है वो डिकॉलोनाइज हुई और उसका कैसे जो है सिस्टम डेवलप हुआ, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्ट हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस. डिवाइड एंड क्विट एक बहुत फीचर रहा डिकॉलोनाइजेशन का, क्योंकि जो कॉलोनियल मास्टर जब जाने लगे तो उन्होंने जो पहले तो उन्होंने समाज को एक एथनिक और मल्टी जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं उसको बहुत उन्होंने स्ट्रेंथन किया. तो आप समझ सकते हैं जो फोको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में कि पावर जो है वो क्या है, आइडेंटिटी देना है, सब्जेक्ट को एक डिफरेंट आइडेंटिटी में बांट करके उसको कंट्रोल करना. तो वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो डिपेंडेंस थी उसने कॉलोनियल मास्टर ने कॉलोनीज में आइडेंटिफाई किया. जैसे इंडिया में उन्होंने कहा ये मुस्लिम है रेस, ये हिंदू है, ये सिख है, ये जो है ट्राइबल है, सब आइडेंटिटी को उन्होंने उभारा. लेकिन जब वो कंट्रोल नहीं हुआ तो उस समय उन्होंने डिवाइड तो कर दिया लेकिन वो अचानक सडन चले गए. तो यहाँ पे फिर सिविल वॉर टाइप की हुई, इतनी कन्फ्लिक्ट हुई, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन इंडिया में भी हुई, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जो कि अभी भी चल रहा है. सो दीज वेयर द फीचर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन. यदि हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल देखें, जो एक मूवमेंट आप कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट, तो उसके फॉर्म्स एंड फीचर्स को यदि हम देखने की कोशिश करें तो इसको यदि हम डिफरेंट इसके पैटर्न और फॉर्म हम विजुलाइज कर सकते हैं. एक फॉर्म जो है इस बेसिस पे कि वायलेंस या आर्म स्ट्रगल हुआ है नहीं, तो इसको दो पार्ट में हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को. एक पीसफुल था जैसे इंडिया, श्रीलंका, घाना, म्यांमार, उसको बर्मा पहले बोलते थे, इजिप्ट, नाइजीरिया, कीनिया में, और दूसरा वायलेंट था जहां पे कि आर्म स्ट्रगल हुआ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के पार्ट में, जैसे अल्जीरिया में जो फ्रांस से, कॉन्गो में पुर्तगीज कॉलोनीज ऑफ गिनिया बिसू, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, इरिट्रिया, फ्रेंच कॉलोनी ऑफ इंडोनेशिया और वियतनाम. वियतनाम तो आपको पता है कितने दिन तक वॉर होता रहा. यदि मोटिव के बेसिस पे देखें तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट है और दूसरा लिबरेशन मूवमेंट है. दोनों में फर्क ऐसे ऑथर्स करते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में फ्रीडम फ्रॉम रूल, यहाँ पे गलत है स्पेलिंग, रूलर, जो राजा है उसको चेंज करने की, जो कंट्रोल है उसको डोमिनेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की जो है वो स्ट्रगल है, लेकिन जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज करने की चेष्टा नहीं है. जैसे इंडिया में हुआ, घाना में हुआ, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम था या सोसाइटल जो एक नॉर्म बन गया था उसको एज इट इज रखा गया, तो ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट था. लिबरेशन स्ट्रगल या लिबरेशन मूवमेंट जो है उसमें जो है पूरी तरह से सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसको उखाड़ फेंकना था, वो एक नया बनाना था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ, जैसे वियतनाम या अल्जीरिया में. इसके जो ओवर आर्किंग फीचर यदि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के देखें तो इट वॉज लेड बाई वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स हु बिलीव्ड इन वेस्टर्न पॉलिटिकल वैल्यू. तो कई बार मैंने आपको बता दिया, दे मोबिलाइज्ड मासेस इन रूरल एंड हिंटरलैंड, रूरल एरियाज एंड हिंटरलैंड. ये भी मैंने आपको बताया कि ये जरूर वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स जो अर्बन कोर में या कोस्टल टाउन में रहते थे वहां से शुरुआत हुई, जैसे मुंबई में इंडिया से, लेकिन जो लीडर इतने ग्रेट थे, इतने विजनरी थे कि उन्होंने मासेस को अपने साथ में लिया, उनको जो नेशनल कॉन्शियसनेस की फील कराई और उससे एक पूरी तरह से नेशनल मूवमेंट जो हुआ जो कि मास बेस्ड था. द बिल्ट ऑन दिस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल वाज बिल्ट ऑन थ्री पिलर्स. पहला था सोशलिज्म, मतलब इन्होंने जो है
डिनाउंस किया कैपिटलिज्म को, ये होना ही था क्योंकि जो कॉलोनियल पावर थे वो इंपीरियल भी थे और कैपिटलिस्ट भी थे, तो एक नेचुरल जो है एंटीथेसिस बना कॉलोनीज में कि कैपिटलिज्म गलत है, इसलिए ये इनहेरेंटली जो है ये आइडियोलॉजी में सोशलिस्ट थे, ये पूरे जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। सोशलिज्म का मायने यहाँ पर समझिए कि सब कम्युनिस्ट हो गए, लेकिन जो भावना थी कि सबको समता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, विषमता समाज में कम से कम होनी चाहिए। एंड न्यू डिस्कोर्स ऑन सिविलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो है ओरिएंटल सिविलाइजेशन को जो है उसके फीचर्स को समझने की कोशिश की गई, उसको कंपेयर किया गया और तब ये रियलाइज किया गया कि ओरिएंटल सिविलाइजेशन कई मायने में वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आगे है, ज्यादा प्रोग्रेसिव है। एंड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये था कि खुद गवर्न करने का पावर जो है सोसाइटी या नेशन जो है या पीपल जो है थर्ड वर्ल्ड के रखते हैं, उन पर किसी और का शासन नहीं होना चाहिए। सो थ्री पिलर जिसपे की एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बेस्ड था वो सोशलिज्म है, न्यू डिस्कोर्स ऑन सिविलाइजेशन है एंड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। सिग्निफिकेंट इंटरकनेक्शंस अमंग इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज अमंग वर्ल्ड वाइड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि पूरी दुनिया में, चाहे वो अल्जीरिया में मूवमेंट हो रही हो, चाहे इंडोनेशिया में हो रही हो, सभी में जो जो उसके लीडर्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे और जो आइडियाज था, ये जो तीन आइडिया मैंने आपको बताया, ये सब काफी जुड़े हुए थे। तो एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट था पूरे वर्ल्ड में, उसको आप एक मूवमेंट कह सकते हैं जो कि अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग लीडरशिप के द्वारा किया जा रहा था। जो इसके मेथड रहे हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के, इसमें पहला ये है कि दे इन्वोक्ड हिस्टोरिकल नेशन, सभी में कि हमारा जो पहले जो है कैसे हम एक इमेजिन कम्युनिटी थे, जैसे इंडिया में कहा गया कि हम अशोका के टाइम में कितने ग्रेट थे, कितने एक कंट्री थे, इवन अकबर के टाइम में कैसे एक कंट्री थे, इस टाइप को इमेजिन किया गया। एंशियंट सिविलाइजेशन को उभारा गया, इंडिया में भी वेद, उपनिषद एंड जो ग्रेट पास्ट हमारा है उसको इमेजिन किया गया। इमेंसिपेटरी विजन था कि हमें जो है मुक्त होना है, ना कि केवल केवल पॉलिटिकल मुक्ति, लेकिन उस सोच से भी जहाँ पे कि हमको कल्चरली जो है वो इंफीरियर माना जाता है सिविलाइजेशन, उस सोच से मुक्त होना है। एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट तो बहुत ज्यादा थी, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, एंड होमोजेनाइजेशन वॉज ओवरलेड ऑन हाईली हेट्रोजेनस सोसाइटी। ये मैंने आपको बताया कैसे जो है पूरी जो पॉपुलेशन थी जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में थी, उसको एक होमोजीनियस नेशन बनाने की भी कोशिश की गई, उसमें बहुत प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि उसके अंदर जो फिशर्स थे, जिसको बोलते हैं कि समाज में जो एक फाक होती है, इथनिक क्लीवेज जिसको आप कहते हैं, उसको आर्टिफिशियली आंख मूंद लिया गया कि वैसा नहीं है और हम सब एक नेशन है यूरोप के जैसा, ऐसा एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जैसे ही पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बना और जैसे ही कॉलोनियल मास्टर गए, वैसे ही वो क्लीवेज और फिशर्स जो है सामने आ गए, जिससे आज 70 साल बाद भी जो है पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट जूझ रही है। नॉन वायलेंट अपोजिशन रहा, जैसे कि जो मेथड रहा उसमें, जैसे गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था जिन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू किया, इंडिया में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो पूरे एशिया अफ्रीका में फैल गया, जो कि सत्याग्रह, बायकॉट, नॉन कॉपरेशन, घेराव, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब जो मेथड थे वो पूरे जगह अपनाए गए। कुछ जगह जो है वायलेंट आर्म्स स्ट्रगल भी हुआ, इवन इंडिया में भी आप देखिए तो भगत सिंह और आजाद और राजगुरु और कई लोगों ने, इवन सुभाष चंद्र बोस ने करने की कोशिश की, गुरिल्ला वॉरफेयर के मेथड से भी जो है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल किया गया। ये जो है थ्री स्टेजेस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को एक ऑथर जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, ज्योफ्री बारक्लॉ, वो उन्होंने दिया है, ये मैंने इग्नू के स्टडी मटेरियल से ये लिया है, वो एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने कोशिश की कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को थ्री हम स्टेजेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट ही सेड इट इज प्रोटो नेशनलिज्म, सेकेंड इज द राइज ऑफ न्यू लीडरशिप एंड थर्ड इज मास मूवमेंट। आइए देखें ये तीन स्टेज क्या है। प्रोटो नेशनलिज्म ज्योफ्री बारक्लॉ के अनुसार इट जस्ट एक नेशनलिज्म अभी हुई नहीं है, एक फीलिंग होने लगी है एंटी कॉलोनियल फीलिंग की, हमें कोई दबा रहा है, हमारे ऊपर कल्चरल हेगोमनी है, और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जैसे इंडिया में आप देखिए नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है, लेकिन वो ये नहीं कहती है हमको इंडिपेंडेंस दे दो, वो कहती है प्लीज हमको थोड़ा सा कंसेशन ज्यादा दे दो, हमको थोड़ा पार्टिसिपेशन दो गवर्नमेंट में, थोड़ा रिफॉर्म करो और हमें रिप्रेजेंटेशन दो, पेटिशंस देना, लेकिन वो मानती है कि आप हमारे मास्टर हो, आपके अंदर में हम है, नो प्रॉब्लम।
ये फेज जैसे इंडिया में 20 इयर्स रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के 1885 से 1905 जहां स्वदेशी मूवमेंट होती है वो दूसरी फेज में प्रवेश कर गया। हर कंट्री में जॉफ्री कहते हैं कि अलग अलग ईयर में ये प्रवेश किया प्रोटो नेशनलिज्म। सेकेंड है द राइज ऑफ न्यू लीडरशिप। इंडिया में जैसे कि न्यू मास लीडर आए, गांधी, नेहरू, पटेल, कई तिलक, और जो है बंगाल में आप देखें और पंजाब में देखें तो एक मिलिटेंट नेशनलिज्म टाइप की फीलिंग होती है, मास जो है उससे जुड़ना शुरू कर देता है। ये इंडिया में भी आप देखें तो 1905 से लेकर के और 1920 उस तक होती है गांधी जी के यहाँ तक आने में। और यदि आप इन यहाँ पे देखें इंडोनेशिया में तो वहाँ पे साराकाट इस्लाम जो ऑर्गेनाइजेशन थी दे कमिटेड इटसेल्फ टू इंडिपेंडेंस इन 1917। और इंडिया में देखिए तो 1929 में नेहरू जी ने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। मास मूवमेंट इज द थर्ड फेज जहां पे कि एक्टिव मास मूवमेंट हो जाता है इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया, इंडोनेशिया इस फेज में 1945 प्रवेश करता है, नाइजीरिया 1955 में, और मेनी कंट्री जहां पे कि एक्चुअल लोग सड़क पे उतर आते हैं, लड़ते हैं और इंडिपेंडेंस डिमांड करते हैं। सो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। आप इसको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, ये एक हिस्टोरिकल व्यू है। यदि हम ये देखें कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे जन्म देता है, कैसे इफेक्ट करता है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में, तो फर्स्ट टाइम पीपल्स पॉलिटिकल बिहेवियर मैनिफेस्टेड इन मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। पहली बार जो है पीपल बिहेव उन्होंने पॉलिटिकल वे में किया, जहां उनको फील हुआ कि वो जो है राजा बदल सकते हैं, वो अपने भाग्य निर्माता पॉलिटिकली वो खुद हो सकते हैं। और ये बहुत नई फीलिंग थी क्योंकि इंडिया में कभी जो है पीपल इसमें शामिल नहीं हुई थी कि अकबर राजा होगा या अशोका राजा होगा, उसमें पीपल की भागीदारी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल बिहेवियर केम इनटू इट्स ओन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। देन इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन। जितने भी आप डेमोक्रेसी के जो प्रोसेसेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो कॉलोनीज में इसी दौरान आए, जैसे कि नेशनलिज्म की फीलिंग हुई, ऑफकोर्स एक पिकुलियर फीलिंग थी, थोपी हुई थी लेकिन थी, नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया हुई, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हुआ, रिक्रूटमेंट मास, मतलब करोड़ों लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी लाइक जैसे कांग्रेस से इंडिया में जुड़े, पॉलिटिकल थॉट डेवलप होनी शुरू हुई, एक नया डिस्कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स हुआ, इंडिपेंडेंस क्या है और कैसे पोस्ट हम कैसे इंडिपेंडेंस अपने नेशन को बनाएंगे, मीडिया उसमें जुड़ी, इलेक्शन एंड वोटिंग राइट्स जो हैं दिए गए। आपको पता है कि जब हमारे यहाँ इंग्लिश रूल था उस समय ही लिमिटेड जो है वोटिंग राइट्स थी, ऑफकोर्स लैंडेड जेंट्री को थी और इलेक्शंस होते थे, थोड़ी थोड़ी लिमिटेड जो है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव शुरू हो गई थी। तो ये जो ट्रेनिंग थी पॉलिटिकल ट्रेनिंग और जो इंस्टीट्यूशन थे लाइक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सब की नींव इसी दौरान में पड़ी। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल वेर लेड बाय अर्बन कोस्टल कोर बाय वेस्टर्न एजुकेटेड इलीट्स हु वेर लिबरल्स। ये आपको मैंने पांचवी छठी बार कहा होगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इलीट्स जो थे वो एक लिबरल लीडर्स थे, जस्ट लाइक जैसे इनलाइटनमेंट के लीडर्स थे उसी तरह इनकी भी सोच थी, वो बिलीव करते थे जस्टिस, इक्वलिटी, राइट में। तो उन्होंने जो है स्ट्रेंथन किया वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि वो उसी वैल्यू में उन्होंने पढ़ाई की थी, उसी को वो जानते थे, तो उनको उन्होंने कंटिन्यू रखा। दिस क्रिएटेड ए डाइकोटमी एंड गैप बिटवीन मॉडर्न कोर एंड इंटरनलिस्ट, क्योंकि रिक्स जो है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोलते हैं या डाइकोटमस सोसाइटी या ड्यूअल सोसाइटी, ये भी मैंने आपको कई बार कहा। पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेस हैविंग कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, जैसे कि ऑथोरिटेरियनिज्म जो है वो कई कंट्री में हुई, इवन घाना में जो कि न्यूली आजाद हुआ था, कई कंट्री में जो है जो डेवलपमेंट के नाम पे जिसको डेवलपमेंटल ऑथोरिटेरियनिज्म बोलते हैं उस टाइप की हुई, मिलिट्री रूल हो गया, पैटर्नलिस्टिक रूल हुआ, मतलब कि सरकार जो है माई बाप है, वो भाग्य विधाता है जनता की, इस टाइप का जो है उस टाइप के जो है डेमोक्रेटिक रूल लेकिन पैटर्नलिस्टिक। पैट्रीमोनियल, पैट्रीमोनियल मतलब कि आप रिसोर्सेज कंट्रोल करते हो और उसको बांटते जिस तरह से हो, वो क्लाइंट पैट्रन रिलेशनशिप के जैसा, जिसमें सत्ता के दलाल जो है वो स्टेट जो कि सभी पूरी संपत्ति का और पूरे रिसोर्सेज का मालिक है उसको जिसको मर्जी उसको बांट दे, तो वो जो है पैट्रीमोनियल आप कह सकते हैं रूल होता है। एंड इलिटिस्ट डेमोक्रेसी, ये सब जो आप इसको निगेटिव कह सकते हो, वो सब जो है कॉलोनियल इम्प्रिंट्स थे नए जो स्टेट बने उसके। यदि हम फीचर्स ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल देखें इंडियन केस, इसमें कई पॉइंट रिपीटेड होंगे, आपको हेल्प होगी एग्जामिनेशन में, तो इसके लीडरशिप
जो है जैसा मैंने कई बार कहा है कि इट वॉज अगेन वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, मोस्टली लॉयर्स थे, वकील थे, बैरिस्टर, यूरोप में पढ़े हुए लाइक गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल, मेनी अदर्स. मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन कैसा था? रेजिंग नेशनल कॉन्सियसनेस, फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल पावर फॉर इमेंसिपेशन. ये भी रिपीटेड है, नेशनल कॉन्सियसनेस, नेशनल अवेकनिंग, मतलब इमेजिन पास्ट, जो इमेजिन कम्युनिटी फ्रॉम इनवोकिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि हम एक नेशन थे हमेशा हिस्ट्री में, हमारी एंशिएंट और टाइमलेस सिविलाइजेशन है. नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इस पे बेस्ड था कि यूनिफाइड अपोजिशन टू इंपेरियलिज्म एंड नेशन फाउंडेड ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन. इस दो बेसिस, इस पे नहीं कि एक ही लैंग्वेज, एक ही सेक्ट और एक ही धर्म के हैं, जो यूरोपियन जो कॉन्सेप्ट नेशन का था उससे हट करके नेशन की अवधारणा को कोशिश की गई. लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट था लेड बाई लिबरल लीडर्स, तो जो लेकिन जो फार लेफ्ट लीडर्स थे लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो है वायलेंट मीन्स अपनाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए. ए लॉन्ग मास मूवमेंट चला नॉन कॉपरेशन 99 में, 1919 में, सिविल डिसोबीडियंस 1930-31 में, क्विट इंडिया 1942 में, लेड बाय कांग्रेस पार्टी फॉलोइंग गांधीयन आइडियोलॉजीज ऑफ नॉन वायलेंस बट एक्टिव नॉन कॉपरेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिफॉर्म्स. इस पे बेस था, सोशल रिफॉर्म भी बहुत बड़ा मुद्दा था कि कैसे जो है वो स्वच्छ रखा जाए, समाज में सुधार हो, दलितों को जो हक मिलना चाहिए वो मिले और जो कास्ट सिस्टम की बुराइयां हैं दूर हो इस पर, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की कैसे वो चरखा काटते थे कि हम स्वदेशी अपनाएं, खुद अपने को करें. उस जो गांधीयन आइडियोलॉजी था उसके बेसिस पे हमारा नेशनल मूवमेंट चला. नेशनलिस्ट लीडर अटेम्प्टेड टू रेज नेशनल कॉन्सियसनेस बाय इन्वोकिंग, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है. लेकिन इससे हुआ क्या कि जब आप पास्ट में जाते हैं, अपने सिविलाइजेशन को इन्वोक करते हैं और हिस्टोरिकल पास्ट से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट नेशनल कॉन्सियसनेस को, तो वहां प्रॉब्लम क्या आई कि आपको दिखने लगता है कि हमारा पास्ट जो है वो हिंदू है, तो वहां पे मुस्लिम जो है एलिनिएट होने लगे. और उन्होंने एक ऐसा मौका आया कि 1940 जाते आते जिन्ना ने ये घोषित किया कि हम जो है एक सेपरेट नेशन है. यदि नेशनलिज्म की ही बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नेशन है, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना अलग स्टेट माना और वो पार्टीशन में कल्मिनेट हुआ. प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग बाय हाईलाइटिंग होमोजेनिटीज, जो वेस्टर्न नोशन है कि एक होमोजीनियस नेशन होगा जिसकी कि अपनी एक लैंग्वेज, अपना एक सोच और अपनी एक खान पान ड्रेस होगी, उस तरह का होमोजेनिटी जो लाने की कोशिश की गई, इट वॉज इन परपेचुअल टेंशन विथ यूनिवर्सलिस्टिक पॉलिटिकल वैल्यूज ऑफ राइट्स, इक्वलिटी एंड जस्टिस. अब जैसे वुमेन राइट, उसमें दलित के राइट्स जो है, निचले कास्ट के जो राइट्स हैं, जो है माइनॉरिटी के राइट्स हैं, वो कहाँ पे, वो छिप गया. इक्वलिटी जो है वो नहीं थी क्योंकि जो समाज हमारा था वो अनइक्वल था, तो यदि उसको होमोजेनियस बनाएंगे तो उसमें इक्वलिटी की बात आएगी. और जस्टिस की, वुमेन को जस्टिस मिले, माइनॉरिटी को जस्टिस मिले, जो दबे कुचले हैं उनको जस्टिस मिले, ये सबको एक साथ ले चलना और फिर एक होमोजेनिटी भी कायम करना, ये एक इम्पॉसिबल जैसा टास्क बन गया. एंड इट वॉज ए पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, बट पार्टीशन वॉज ए ब्रूटल काइंड ऑफ वायलेंस, सिविल वॉर, जहां पे की लार्ज स्केल वायलेंस हुई. सो दिस वाज द फीचर्स ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया. यदि हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट देखें, जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मैंने दो इसमें स्लाइड दिया है, ये लास्ट टू स्लाइड्स है. इसमें फर्स्ट ये है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, यदि उसको आइडियोलॉजिकली हम व्यू करें तो वो कैसा दिखता है. लिबरल पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड नेशन बिल्डिंग, तो ये तो जो लीडर थे, लिबरल लीडर, उन्होंने इसी तरह से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की अवधारणा दी कि हमारे डेवलपमेंट पे बेस्ड होगा, ये मॉडर्न बनेगा और नेशन बिल्ड करेगा. लेकिन यदि मार्क्सिस्ट व्यू देखें तो वो बहुत अलग तरीके से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को देखता है. उसके लिए स्टेट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन एंड एज ए फोरम टू मैनेज अफेयर्स ऑफ बॉर्जियाजीज, जो एक तरह का वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी बन जाती है या कमिटी बन जाती है बॉर्जियाजीज के अफेयर को मैनेज करने के लिए. प्रिंसिपल एजेंट फॉर डेवलपिंग कैपिटलिज्म इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा, उनका कहना था कि ये स्टेट कुछ नहीं है, ये पेरिफेरल कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक पेरिफेरी है और कैपिटलिज्म को जस्ट वर्ल्ड में बढ़ाने का काम करती है. पोस्ट कॉलोनियल स्टेट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ थ्री क्लासेस, फर्स्ट वॉज मेट्रोपोलिटन बॉर्जियाजीज, मेट्रोपोलिटन मतलब कि कोर जो यूरोपियन नेशन में जो बॉर्जियाजीज कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, देन इंडिजिनस बॉर्जियाजीज जो 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 लीडर्स बने नेशनल मूवमेंट के, एंड फाइनली जो लैंडेड क्लास थे. ये हमजा अलवी की जो है ये दलील है कि ऐसे तीन क्लास को ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं.
it in post-colonial, it was influence of dominant class and international capital. इतना ज्यादा था कि इसकी ऑटोनॉमी जो है वो रिलेटिव थी, इट वॉज नॉट ए फुल्ली ऑटोनोमस स्टेट. एंड स्टेट कैपिटलिज्म शो किया, मतलब जहां पे कि स्टेट जो है अप्रोप्रिएट कर लेता है सारे सरप्लस को और वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है एक्वायर करता है, इनफैक्ट वो खुद प्रोड्यूस करने लगता है. जैसे इंडिया में हुआ कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, तो वो एक खुद एक कैपिटलिस्ट पावर के जैसा बिहेव करता है और वो एक पैट्रिमोनियल स्टेट बन जाता है, दैट इज स्टेट कैपिटलिज्म. प्लूरिस्ट व्यू यदि लें, ये थर्ड व्यू है, तो इसके अनुसार से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बिहेव एज ए मीडिएटर ऑफ मल्टीपल कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड एज ए कंसेंसस बिल्डर एंड करेक्टिंग मार्केट फेलियर्स. तो ये एक बहुत पॉजिटिव व्यू लेता है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का. एंड स्टेट को फाइनली जो है एक नियो पैट्रिमोनियल एंटिटी भी माना जाता है, जहां पे कि इनफॉर्मल पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप होती है, जहां स्टेट जो है वो एक पैट्रियार्कल एंटिटी या फैमिली के साथ बिहेव करता है, जहां पे कि संपत्ति जो है वो पास ऑन होती है इलीट क्लास को, जहां पे कि जो जो स्टेट जो है उसके पास सारे रिसोर्सेस सारे संपत्ति स्टेट की उसमें निहित होती है और वो जो नेटवर्क क्लास होते हैं वो उसको बांटने की कोशिश करते हैं, इसको आप पावर ब्रोकर कह सकते हैं, और उससे एक पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप बनता है. दिस काइंड ऑफ स्टेट को नियो पैट्रिमोनियल एंटिटी या नियो पैट्रिमोनियल स्टेट कह सकते हैं. सो दीज आर द फोर आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नियो या सॉरी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट. यदि इसके बेसिस पे हम देखें, फीचर्स देखें, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट मतलब जो डीकोलोनाइजेशन के बाद जो नए नेशन बने, नए नेशन स्टेट बने, उसके क्या फीचर्स थे, इसमें बहुत सारे पॉइंट रिपीटेड हैं. लाइक इट वाज वेरी डिफरेंट पैटर्न ऑफ पीस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट. एक तरफ आपका अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, अफ्रीका के बहुत है जहाँ के सिविल वॉर हुआ, जहाँ पे की टर्मोइल हुआ, मिलिट्राइजेशन हुआ और बहुत अंडर डेवलपमेंट हुई, नेगेटिव ग्रोथ हुआ. उसके जगह पे चाइना और जापान और इवन इंडिया है जहाँ पे की ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड प्रोग्रेस हुआ, जैसे ईस्टर्न एशिया में तो एक तरह का मिराकल हुआ. तो बहुत डिफरेंट पैटर्न पीस प्रोग्रेस डेवलपमेंट कर रहा है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में, कोई एक पैटर्न नहीं है. आइडियोलॉजिकल लीनिंग लेकिन उनकी सोशलिज्म की तरफ रही है, लेकिन उन्होंने जो है फैकेट बनाया नॉन अलाइनमेंट का, कि हम नॉन अलाइंड है, वैसे वो सब एक तरह से अगेंस्ट कैपिटलिज्म थे, सोशलिज्म थे. वो भी जो है यूएसएसआर के पतन के बाद एक तरह से उनकी आइडियोलॉजिकल वॉइड हुई और सब जो है अब बैंड वैगन में सवार हैं कैपिटलिस्ट यूएसए के. क्वाजाई स्टेट नेचर है, मतलब ट्रूली सोवरेन नहीं ये लोग थे या हैं, डिपेंडेंट ऑन एक्स कॉलोनियल मास्टर. काफी सारे अफ्रीका के स्टेट इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन एशिया के स्टेट जो हैं लाइक इंडिया, वो सब ट्रूली जो है इंडिपेंडेंट स्टेट के जैसा बिहेव करते हैं. देन डेवलपमेंटल ऑथोरिटेरियनिज्म, ये काफी अफ्रीका में हुई, जहाँ पे कि डेवलपमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया कि उसके जो रूरल थे, जो कि इलीट्स थे, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड किया था, वो एक ऑथोरिटेरियन की तरह बिहेव करने लगे, जैसे कि घाना में हुआ एंड मेनी अदर अफ्रीकन कंट्री में हुआ. देन मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्री एंड सम एशियन ऑल्सो दे फेस्ड इथनिक क्लैशेस. श्रीलंका ने भी फेस किया सिविल वॉर एंड उनको थ्रेट जो है वो कॉलोनियल मास्टर से तो नहीं रहा, लेकिन उनके नेबर्स जो हैं जिनके साथ उनकी बाउंड्री जो है ऐसी फर्जी और ऐसे हैपाजार्ड मैनर में जाते हुए कॉलोनाइजिंग पावर ने बाउंड्री खींच दिया, जैसे इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कि उनके नेबर से उनका हमेशा टकराव होते रहा और इकोनॉमिक क्राइसिस तो सभी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ने झेला. मैक्सिमाइजेशन ऑफ टेरिटरीज, होमोजेनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर्स, ये सब इसके फीचर रहे हैं. और फ्रंटियर एरिया को इससे सबसे अधिक, बॉर्डर या फ्रंटियर एरिया को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपको पता है कि पुराने जो एम्पायर होते थे उन दोनों के बीच में एक बफर या फ्रंटियर जोन होता था जिसपे कि किसी का शासन नहीं होता था. लेकिन जब कॉलोनियल पावर ने जब ये छोड़ा, डीकोलोनाइजेशन किया, तो शार्प बाउंड्री जो है एकदम जस्ट ज्योमेट्रिक बाउंड्री खींची. उससे इंडिया में भी कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट ये सब जो जो कि फ्रंटियर एरिया और बफर एरिया थे, तिब्बत जैसे चाइना इंडिया के बीच में, वो सब जो है कन्फ्लिक्ट जोन बन गए. डीलिंग विथ मल्टी इथनिटी, मल्टी कल्चरलिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है. और इनकी जो इन जो जो फैक्टर्स जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के फेट को जिन्होंने डिसाइड किया है, वो तीन फैक्टर माने जाते हैं. एक है हिस्ट्री, मतलब पार्ट डिपेंडेंसी, क्या चॉइसेस पास्ट में लिए गए, कैसे उसकी हिस्ट्री प्रोग्रेस की. जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उनका लोकेशन कैसा था कोल्ड वॉर के टाइम में, जियोपॉलिटिकली उनके रिलेशन जो दोनों पावर से कैसे थे, क्या सिचुएशन थी. एंड पॉलिटिकल एजेंसी, वहाँ लीडरशिप कैसा था. इन तीन फैक्टर से उनकी फेट डिसाइड हुई. जहाँ जहाँ ये तीनों फैक्टर अच्छे रहे, लाइक ईस्टर्न एशिया, वहाँ पे अच्छा रहा, लेकिन अफ्रीका को इससे बहुत नुकसान हुआ.
पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो है उसने क्रिएट किया नेशन को, जैसे हम लोगों ने देखा कि एक बार पहले पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बनी जिसने कि नेशन बिल्डिंग का काम किया, तो यहाँ पे स्टेट क्रिएटेड नेशन, जबकि यूरोप में जो है नेशंस फर्स्ट केम एंड दे क्रिएटेड स्टेट, तो ये जो है टॉप डाउन या अपसाइड डाउन वर्सन था, इसके चलते यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई, उल्टा जो मेथड हुआ कि जब स्टेट क्रिएट किया नेशन को, तो दीज वेर द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट एंड देयर फीचर्स। फाइनली स्टूडेंट, हम याद करना चाहते हैं कुछ प्रोमिनेंट एंटी कॉलोनियल लीडर्स को। आप सबसे पहले जो है मैंने लिया है बर्मा, ये कोई क्रम नहीं है, ऐसे मैंने रैंडम लिया हुआ है, बर्मा म्यांमार के यू नू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बर्मा के थे, देन सुकार्नो जो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये सभी जो है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लीडर भी रहे और फर्स्ट जो है वो उन्होंने लीडरशिप भी दी, मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी बने। देन क्वामे निकुरमा जो है वो घाना के या गोल्ड कोस्ट उस समय उसका नाम था, उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन बाद में ऑथोरिटेरियन हो गए। हो ची मिन जो है वो एक फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं वियतनाम के, जिन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया, ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और प्रेसिडेंट नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट था उसके ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे। जूलियस नियारेरे जो है वो तंजानिया के लीडर थे एंटी कॉलोनियल और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे। सुन यात सेन जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको कि अब ताइवान बोलते हैं, जो मेनलैंड चाइना से अलग है, उसके ये जो है लीडर थे, लेकिन उस समय में दोनों चाइना एक था और इन्होंने पहली जो है मूवमेंट चाइना में किया। बाद में जो है कम्युनिस्ट चाइना का उदय हुआ, जो माओ ज़ेडुंग जो है जो इसके सुप्रीम लीडर बने अपने डेट तक, और मैंने महात्मा गांधी जो इन सबसे जो है अलग और सबसे परे और सबसे हमारे विचार सबसे अलग और बहुत रिलीवेंट थे, जो इंडिया में जिन्होंने कि जिसको कि फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जिन्होंने पूरे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को एक नई दिशा दी। सो सॉरी कि ये वीडियो अगेन बहुत लंबा हो गया और हम इसको समअप भी करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आई होप कि इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आप, मैंने काफी चीजें उठाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, गुड विशेस।